यूक्रेन संकट के साए के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। बैठक में पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत को विश्व के दो सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र होने के नाते स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच वार्ता ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन में हालात बेहद परेशान करने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बूचा में हाल में निर्दोष नागरिकों की हत्या की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। हमने तत्काल इसकी निंदा की है और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की है। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी दिया। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन में जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। हमने अपनी तरफ से दवाइयां और अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को भेजी है। यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच ये बैठक दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के 2+2 मंत्रिमंडल वार्ता के चौथे सत्र से पहले हुई। रूस यूक्रेन मामले में भारत का स्टैंड न्यूट्रल है, इसे लेकर वो रूस और अमेरिका दोनों में से किसी एक खेमे में शामिल होने से बचता रहा है।